नमस्कार साथियों, एके ऑनलाइन क्लासेज में मैं पवन सारस्वत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। आज हम उसके बारे में फिर से मैं थोड़ा आपको रिपीट करूंगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में हम अंतर कैसे पहचाने, जैसे यह है, वह, वे इत्यादि जो सर्वनाम है उनमें हम अंतर कैसे पहचाने, उसके बाद फिर हम आगे वाले जो सर्वनाम है उन पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने ये पढ़ा था कि यह और वह जो है, यह वह ये वे ये जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी अपने को पढ़ने को मिलते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी अपने को पढ़ने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इनमें अपने अंतर कैसे पहचाने। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसी पुरुष संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने लिख दिया संज्ञा में, जैसे लिख दिया कि राजेश पत्र पढ़ता है, राजेश पत्र पढ़ता है। अब इस वाक्य में जो ये संज्ञा शब्द है राजेश, ये जो है ये पुरुष है। इसके बदले यदि मैं वह सर्वनाम का प्रयोग करूंगा कि वह पत्र पढ़ता है, बिल्कुल ये किसी पुरुष के बदले प्रयुक्त हो रहा है, तो ये जो वह जो मैंने यहां पर लिखा है ये वह, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहली कंडीशन तो ये है कि वह यदि किसी पुरुष संज्ञा के बदले आता है और वो संज्ञा शब्द यदि वाक्य में नहीं है तो फिर वो पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए ये वह मैं लिख रहा हूं कि वह मेरे पिताजी हैं। अब ये मैंने दूसरा वाक्य लिखा है वह मेरे पिताजी हैं। अब इस वाक्य में जो मैंने ये वह शब्द का प्रयोग किया है वो पिताजी संज्ञा के लिए किया है, ये भी पुरुष है, इसके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब ये पुरुषवाचक नहीं है क्योंकि अब ये जो वह सर्वनाम है इस पुरुष की ओर संकेत कर रहा है, पुरुष का निश्चित रूप से ये बोध करा रहा है। तो दूर की या निकट की वस्तु या व्यक्ति की ओर यदि किसी सर्वनाम के माध्यम से संकेत किया जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता। यहां पर ये जो वह शब्द है इस पिताजी संज्ञा के लिए आया है और ये इसकी ओर संकेत कर रहा है। दूर की या निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए यदि संकेत के रूप में किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पहले उदाहरण में मैंने राजेश के बदले वह सर्वनाम का प्रयोग किया किंतु ये वह जिस संज्ञा के बदले है, संज्ञा कौन सी, ये राजेश, वो संज्ञा शब्द इस वाक्य में कहीं भी उपस्थित नहीं है, ऐसी कंडीशन में पुरुषवाचक। किंतु यदि जिस संज्ञा के बदले वो सर्वनाम आ रहा है वो संज्ञा शब्द भी यदि वाक्य में कहीं ना कहीं विद्यमान है तो फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब ये वह जो सर्वनाम है इस पिताजी के बदले आ रहा है और ये पिताजी संज्ञा भी है और ये सर्वनाम भी यहां पर आ रहा है, तो अब ये वह सर्वनाम जो है ये यहां पर पिताजी की ओर संकेत कर रहा है, तो ये जो वह सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पहली कंडीशन तो ये है दोनों में अंतर पहचानने की। अब अपने दूसरी बात करते हैं, यदि मान लीजिए वह सर्वनाम किसी वस्तु के बदले आ रहा है, जैसे कि मैंने लिख दिया कि मैं यहां पर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इस वाक्य में कि यह ले जाओ, अब इस वाक्य में यह शब्द का, या वह भी लिख सकते हो आप, वह ले जाओ, अब इन दोनों वाक्यों में मैंने जो यह और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है,
ये दोनों ही सर्वनाम जो है ये किसी वस्तु के बदले प्रयुक्त हो रहे हैं तो ये पुरुषवाचक नहीं होंगे, ये निश्चयवाचक होंगे। यदि किसी वस्तु के बदले यह वह का प्रयोग हो रहा है तो फिर वो पुरुषवाचक न होकर के वो किस में होगा, वो निश्चयवाचक में होगा, निश्चयवाचक में। दूसरा ये था अंतर पहचानने का तरीका। तीसरी बात ये है, मैंने ये कहा था कि यदि यह वह सर्वनाम वाक्य में पहले कहे हुए किसी संज्ञा शब्द या संज्ञा वाक्यांश के बदले यदि आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो वो निश्चयवाचक होंगे। लेकिन कौन सी कंडीशन में, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि यह वह सर्वनाम वाक्य में पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बदले, संज्ञा शब्द के बदले पहले कहे हुए किसी संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश, या तो संज्ञा या पूरा कोई संज्ञा वाक्यांश होगा, वाक्यांश के बदले आए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। कौन से होंगे, निश्चयवाचक, लेकिन पुरुष संज्ञा को छोड़ करके। वो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के बदले तो आना चाहिए, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, पुरुष संज्ञा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिख दिया आपके सामने कि हरि मेरा मित्र है, हरि मेरा मित्र है, वह मेरे साथ पढ़ता है। हरि मेरा मित्र है और वह मेरे साथ पढ़ता है। अब ये मैंने एक वाक्य लिखा है, इस वाक्य में मैंने कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया है, वह सर्वनाम का प्रयोग किया है। और ये जो वह सर्वनाम है पहले आए हुए संज्ञा शब्द हरि के बदले प्रयुक्त हो रहा है। मैंने लिखा है कि यदि यह वह सर्वनाम वाक्य में पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के बदले आए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, किंतु साथ में मैंने ये यहां पर कोष्ठक में लिखा है पुरुष संज्ञा को छोड़कर आए तो वो निश्चयवाचक है। किंतु यहां पर जो मैंने ये वाक्य लिखा है इसमें वह सर्वनाम का प्रयोग किया है और ये वाक्य में पहले से आए हुए हरि संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहा है, किंतु ये पुरुष संज्ञा है, इसलिए ये वह जो है ये निश्चयवाचक नहीं होगा, ये पुरुषवाचक ही होगा। कौन सा होगा, पुरुषवाचक ही होगा। तो फिर वह निश्चयवाचक कौन सा होगा, निश्चयवाचक पुरुष संज्ञा को छोड़ करके यदि आता है तो, जैसे कि पुस्तकें हमारी मित्र हैं, पुस्तकें हमारी मित्र हैं, वे हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। अब ये जो मैंने यहां पर तो ये वाक्य लिखा है, इस वाक्य में मैंने यहां पर वह वे सर्वनाम का प्रयोग किया है। वह का करें चाहे वे का करें, चाहे यह का करें चाहे ये का करें, यहां पर मैंने वे सर्वनाम का प्रयोग किया है और ये वे सर्वनाम पहले से आए हुए संज्ञा शब्द पुस्तकें जो है इसके बदले प्रयुक्त हो रहा है। किंतु यहां पर पुस्तकें शब्द जो है ये पुरुष नहीं है, ये वस्तु है। अब ये जो वे सर्वनाम है ये निश्चयवाचक होगा, ये क्या होगा, ये निश्चयवाचक होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में अंतर कैसे करें। तीसरा जो अंतर पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो निर्धारण का मतलब किसी व्यक्ति के
कार्य है या किसी वस्तु के बारे में यदि हम किसी बात को निर्धारित करें तो फिर वहां पर जो है वो निश्चयवाचक ही होगा। कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूं कि वह वकील है, वह वकील है। यहां हमने जो वह सर्वनाम का प्रयोग किया है वह किसी व्यक्ति के कार्य को निर्धारित करने के लिए किया है। जैसे मैं लिखूंगा कि वह वकील है, वे अध्यापक हैं, यह बेईमान है। इस प्रकार से यदि हम यह वह या ये वे सर्वनामों का प्रयोग करेंगे तो फिर वो पुरुषवाचक में नहीं होंगे, वो निश्चयवाचक में ही होंगे। अब हम इनको क्या कहेंगे, इन सभी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इनकी गणना करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, पुरुषवाचक में भी इनका यह वह का प्रयोग होगा, वो कैसे होगा? जैसे मैं लिख रहा हूं कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये कल जाएंगे, ये कल जाएंगे, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। इस प्रकार से जब ये वे यह वह का हम प्रयोग करेंगे तो ये पुरुषवाचक के उदाहरण है, सारे के सारे किसके हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अंतर था। सीता मेरी नाथ जी बैठे हुए पीछे और बोल रहे हैं कि सीता मेरी दोस्त है या मित्र है, वह मेरा मार्ग प्रशस्त करती है। इस उदाहरण में भी ये जो वह सर्वनाम है इस सीता के बदले आ रहा है, तो सीता जो है इसके बदले आ रहा है, तो ये वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएगा। यहां लिंग की बात नहीं हो रही, यहां केवल पुरुष का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के बदले यानी कि सजीव के बदले यदि आते हैं तो फिर अपने को वह सर्वनाम जो है ये पुरुषवाचक के अंतर्गत गणना करेंगे। पुरुष का मतलब केवल पुरुष नहीं, केवल स्त्री नहीं, दोनों इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद आप देखिए, तो हमने पुरुषवाचक और निश्चयवाचक जो सर्वनाम थे उसमें अंतर कैसे पहचाने ये अपने पढ़ा। अब आगे का जो टॉपिक है वो तीसरा जो सर्वनाम का जो भेद है, तीसरा जो सर्वनाम है पुरुषवाचक और निश्चयवाचक के बाद में, तीसरा जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। हम संज्ञा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। वे कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जिनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, या यूं भी कह सकते हैं कि जिनसे किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता, उनको अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण का प्रयोग करूं, देखिए अनिश्चयवाचक में ज्यादातर जो सर्वनाम लगभग उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वो कोई और कुछ, ये दो सर्वनाम जो है ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। कुछ जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि कुछ शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है,
कुछ का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कहां पर कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा और कहां पर वो विशेषण के रूप में आएगा और कहां पर क्रिया विशेषण के रूप में आएगा। तो देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब यहां पर जो ये कोई शब्द है इससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, तो यहां पर ये जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं कि जमीन पर कुछ पड़ा है, जमीन पर कुछ पड़ा है, जमीन पर कुछ पड़ा है। ये जो है ये मैंने लिखा है जमीन पर कुछ पड़ा है, यहां पर कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और यहां पर कोई शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक है क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। कई बार कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि जी कुछ किताबें लाओ। अब ये कुछ क्या है? तो ये कुछ यहां पर सर्वनाम नहीं है। यहां पर जो कुछ है ये किताबें जो शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है। ये यहां पर केवल संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये सर्वनाम नहीं है। क्योंकि जिस संज्ञा के बदले सर्वनाम प्रयुक्त होता है वो संज्ञा शब्द सर्वनाम के तुरंत बाद में नहीं आता। यदि ऐसा होता है तो फिर वो या तो फिर वो इस प्रकार से विशेषण के रूप में होगा या फिर उसका प्रयोग जो है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में होगा। तो इसमें सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग नहीं होगा। ऊपर वाले दोनों उदाहरण जो है इनमें कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण अपने देते हैं कि कमरे में कोई बैठा है, कमरे में कोई बैठा है। अज्ञात के लिए हमेशा ही पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि कमरे में कोई बैठी है, स्त्रीलिंग है, लेकिन कोई शब्द के साथ में पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। अज्ञात जो होता है उसके लिए, अज्ञात व्यक्ति या वस्तु के लिए पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो कमरे में कोई बैठा है, यहां पर जो कोई शब्द है ये कोई शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी वाक्य को यदि मैं इस ढंग से लिखूं कि कमरे में कोई बालक बैठा है, अब ये सर्वनाम नहीं रहा क्योंकि सर्वनाम की तो शर्त ही यही है, सर्वनाम की तो परिभाषा ही यही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। ये यहां पर कोई शब्द इस बालक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न हो करके अब यहां पर इसका विशेषण बन गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण है न कि सर्वनाम है। वो संज्ञा शब्द तुरंत बाद में उसके साथ विशेष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा, यहां इसमें नहीं है, तो ये सर्वनाम है किंतु ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार कोई शब्द का प्रयोग जो है वो द्विरुक्ति के रूप में भी होता है, पुनरुक्ति के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे? जैसे कोई बैठा है, यहां पर भी ऐसी स्थिति में भी ये जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से कुछ गिर गया है ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सिंपल सा इसका पहचानने का तरीका यह है कि जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, किंतु जिस संज्ञा के बदले वो सर्वनाम आ रहा है वो उसके तुरंत बाद में नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं होगा।
इसके बाद में ये तीसरा सर्वनाम हमने पढ़ा। अब चौथा जो सर्वनाम है बिल्कुल सरल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें भी बहुत सी हम लोग गलतियां करते हैं, उनके बारे में अपने बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो परिभाषा सभी को पता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है। मैं लेकिन फिर भी लिख रहा हूं और इसको आप अच्छे से देख लें कि वे सर्वनाम शब्द, मैं सीधा शब्द नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं कि वे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते, नहीं, मैं लिख रहा हूं कि वे सर्वनाम, पहली कंडीशन है कि वे सर्वनाम होने चाहिए। अब प्रश्न का बोध तो क्रिया विशेषणों से भी होता है, जैसे कि यह कैसे हुआ, अब कैसे शब्द से प्रश्न का बोध तो हो रहा है लेकिन वो सर्वनाम नहीं है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है, किसी प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ज्यादातर जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे कि क्या, कौन, किसे, ये जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। होते कौन से नहीं है, कैसे, कितना, कब, ये प्रश्नवाचक शब्द तो हैं किंतु ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये नहीं है भाई, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। इनकी गणना, जैसे मैंने कहा कि वह कैसे आया, अब कैसे आया इसके बदले आना क्रिया की रीति का बोध हो रहा है, तो ये कैसे जो है ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम का मतलब है कि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा कि वह क्या लाया है, वह क्या लाया है, अब इसके बदले जो उत्तर है वह पुस्तक लाया है, पुस्तक भी हो सकता है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम के बदले संज्ञा और संज्ञा के बदले सर्वनाम, ये सर्वनाम की कंडीशन होनी चाहिए। जबकि मैं लिखता हूं कि वह कब आया, वह कब आया, अब कब शब्द जो है इसके बदले मैं लिखूंगा कि वह अभी आया। अब अभी कोई, ये कोई संज्ञा नहीं है, अभी जो है कोई संज्ञा नहीं है, ये तो केवल कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अब जो है क्योंकि अव्यय के बदले प्रयुक्त हो रहा है, तो अव्यय के बदले प्रयुक्त होने वाला कोई सर्वनाम नहीं होता, वो तो अव्यय ही होगा। तो अब ये कब जो है ये प्रश्नवाचक तो जरूर है लेकिन ये सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि कैसे, कितना, कब, ये शब्द जो है ये सर्वनाम नहीं है। क्या, कौन, किसे, ये सर्वनाम है। इनसे संबंधित अपने अब कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जो है इनसे संबंधित अपने कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि वह कौन है, तुम क्या लाए हो, आज, कई बार इनका भी युग्म के रूप में पुनरुक्ति हो जाती है सर्वनामों की। कैसे, जैसे कि आज कौन कौन पढ़ाएगा, आज कौन कौन पढ़ाएगा, इसी प्रकार से वह क्या क्या लिखता है, वह क्या क्या लिखता है, वह क्या क्या लिखता है। तो ये क्या क्या जो है ये भी प्रश्नवाचक के अंतर्गत अपने इनको पढ़ेंगे। तो प्रश्नवाचक सरल है। इसके बाद में अगला जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना अपने। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनसे किसी संबंध का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दो प्रकार के सर्वनाम अपने को देखने को मिलते हैं। पहले परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है कि वे सर्वनाम
वे सर्वनाम शब्द, मैं फिर कह रहा हूं कि वो सर्वनाम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द से जिससे संबंध का बोध होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी संबंध का बोध होता है, किसी संबंध का बोध होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से? जैसे इसके अंतर्गत जो है वो हमें मुख्य रूप से दो सर्वनाम है, जो और दूसरा है सो। इसके अलावा जिसकी और इसके साथ जो संबंध के रूप में आएगा उसकी, ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अपने इनको पढ़ते हैं। एक उदाहरण है जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। संबंधवाचक में एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत एक वाक्य में दो उपवाक्य होंगे और दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम दो सर्वनाम करेंगे। एक जैसे जो कर रहा है यहां पर, दूसरा सो कर रहा है। तो जो है ये मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम है और सो इसके साथ हमेशा आता है, तो ये जो नित्य संबंधी सर्वनाम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नित्य संबंधी और ये संबंधवाचक, ये संबंधवाचक है और ये नित्य संबंधी संबंधवाचक है, यानी कि ये जो के साथ में सदैव ही आएगा। अब कई बार परीक्षा में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया कि जो अपराधी है, जो अपराधी है वह दंड पाएगा, वह दंड का भागी है, लिख सकते हैं वह दंड का भागी है। अब इस वाक्य में मैंने जो का प्रयोग किया है और फिर मैंने वह का प्रयोग किया है। जरूरी नहीं कि जो के साथ सो ही आए, जो के साथ यदि वह का भी प्रयोग होता है, वे का भी प्रयोग होता है, उसे का भी प्रयोग होता है, तो वो भी संबंधवाचक माना जाएगा। जो के साथ में यदि पुरुषवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो भी संबंधवाचक ही कहलाएंगे। यहां पर ऐसी कंडीशन में संबंधवाचक सर्वनाम ही वो होंगे। तो यहां पर वह अब पुरुषवाचक नहीं है, ये यहां पर जो के साथ में इसका संबंध है तो ये जो है ये संबंधवाचक ही कहलाएगा। ये नित्य संबंधी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो ये अब यहां पर संबंधवाचक है, न तो ये यहां पर पुरुषवाचक है और न ही यहां पर ये निश्चयवाचक है। दूसरा उदाहरण देखें, जिसे आप जानते हैं उसे मैं भी जानता हूं, जिसे आप जानते हैं उसे मैं भी जानता हूं। इस वाक्य में मैंने जिसे और उसे सर्वनाम का प्रयोग किया। अगर मैं सीधा इस वाक्य को इतना ही लिखता उसे मैं भी जानता हूं तो ये यहां पर पुरुषवाचक होता, किंतु मैंने साथ में ये इतना वाक्यांश और लिया है, इसमें दो वाक्य हैं, एक तो है कि जिसे आप जानते हैं और दूसरा है उसे मैं भी जानता हूं। अब ये जो दोनों वाक्य हैं, जिसे और उसे, इन दो शब्दों से जुड़े हुए हैं, इन दो शब्दों का आपस में संबंध है, ये संबंधवाचक है, ये दोनों के दोनों, जिसे भी संबंधवाचक है उसे भी संबंधवाचक है। इसी प्रकार मैं लिखता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये दोनों शब्द जो है ये भी संबंधवाचक है। जिसकी जो है ये मुख्य संबंधी है और उसकी जो है ये नित्य संबंधी है, ये तो नित्य है, नित्य संबंधी है और ये उस जिसकी जो है ये मुख्य संबंधी है। इसके बाद में देखिएगा, कई बार क्या होते हैं कि प्रश्न जब हम देखते हैं तो उसमें
हम ये नहीं देखते कि ये सर्वनाम है कि नहीं, उसको कर देते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण देखिएगा, जैसे जितना सुनो उतना समझो। अब जैसे पीछे वाले जो हमने उदाहरण देखे, कौन सा उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा जो करेगा वह भरेगा। अब इस उदाहरण में मैं जो और वह शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं ये संबंधवाचक सर्वनाम ही है, किंतु ऊपर लिखा हुआ जो वाक्य है जितना सुनो उतना समझो, इसको भी कई विद्यार्थी संबंधवाचक मान लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सर्वनाम का मतलब है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो। यहां पर जो करेगा ये किसी पुरुष संज्ञा यानी किसी संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त हो रहे हैं तो ये सर्वनाम है, किंतु ऊपर वाले दोनों वाक्यों में यदि हम ध्यान से देखें जितना सुनो उतना समझो, तो जितना और उतना शब्द जो है वो क्रम से क्रिया के माप का बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं। ये सर्वनाम है ही नहीं, ये क्रिया विशेषण अव्यय है, इनको अपने संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं रखना है। तो ये संबंधवाचक नहीं है, इनको अपने क्रिया विशेषण ही मानेंगे, संबंधवाचक नहीं मानेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इनका कोई स्थान नहीं है। इसके बाद में जो अंतिम सर्वनाम है वो अपना है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक भाई परिभाषा तो क्या है कि आप लोग व्याकरण की बहुत सी पुस्तकें हैं उनमें पढ़ते ही हो, तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है जहां आपको डाउट होता है, जहां विद्यार्थी जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उन तथ्यों को आपके सामने रखना और उनका विश्लेषण करना और आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ये मेरा थोड़ा उद्देश्य है। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, इसमें भी कई बार जो है विद्यार्थी निजवाचक में और पुरुषवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी गणना करेंगे कि निजवाचक में करेंगे, तो ये तथ्य भी अपने यहां पर सुलझाएंगे। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे निजत्व का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कौन से, देखिएगा निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं, जैसे कि हमने लिख दिया आप, अपने आप, स्वयं, खुद। कई बार बलाघात करने के लिए या किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए ही शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, आप ही, जैसे लिखा जाता है आप ही। अब इनका अपने पहले उदाहरण रूप में प्रयोग देखेंगे और उसके बाद में फिर पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में क्या अंतर है वो भी अपने समझेंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं आप जाऊंगा, तुम्हें खुद पढ़ना होगा, सारा काम अपने आप हो जाएगा। वह स्वयं पढ़ा लिखा है। इन उदाहरणों में यदि अपने ध्यान से देखें तो ये मैं जो है ये पुरुषवाचक है और इसके साथ में जो ये आप सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है ये भी इस मैं की निजता को व्यक्त करने के लिए, अपनेपन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, अपने निजत्व को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है।
तो ये जो आप है ये निजवाचक है, और निजवाचक की ये कंडीशन है, ये शर्त है कि इसमें क्या है कि निजवाचक जिस पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम या वो संज्ञा शब्द उसके उस वाक्य में जरूर आएगा। जैसे मैंने लिखा कि मैं आप जाऊंगा, तो आप जो इस मैं के अपनत्व का बोध करा रहा है, तो अब ये जो आप है ये निजवाचक है, मैं तो पुरुषवाचक ही है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, तुम्हें खुद जाना पढ़ना होगा, इसमें भी तुम्हें ये जो है ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक का ये मध्यम पुरुष है, और इसके लिए खुद जो है ये अपनेपन का बोध करा रहा है, अपनत्व का बोध करा रहा है, निजत्व का बोध करा रहा है, तो ये जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार सारा काम अपने आप हो जाएगा, ये भी अपनेपन का बोध करा रहा है। तो ध्यान ये रखना है हमें कि जब भी ये इस प्रकार से निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होगा तो उनसे संबंधित कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द उस वाक्य में जरूर आएगा, उनसे संबंधित जो है संज्ञा या सर्वनाम जरूर आएगा। जैसे मैंने लिखा कि सारा काम अपने आप हो जाएगा, अब यहां पर ऐसे वाक्यों में कई जगह अपवाद भी है इसमें, जैसे अपने आप जो है इसमें जिससे संबंधित ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है, वो संज्ञा या सर्वनाम इस वाक्य में उपस्थित नहीं है, लेकिन ये अपनेपन का बोध करा रहा है, अपनत्व का बोध करा रहा है। दूसरा देखो कि वह स्वयं पढ़ा लिखा है, अब इस वह के साथ में स्वयं का, इस वह के निजत्व को व्यक्त करने के लिए, इसके अपनत्व को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, तो अब ये जो स्वयं है ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है। कई बार कैसा होता है कि वाक्य में कई बार आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के रूप में होता है, कई बार पुरुषवाचक के रूप में भी होता है, पर पुरुषवाचक में भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप शब्द का प्रयोग कई बार अन्य पुरुष के रूप में भी हो जाता है। वैसे तो आपका प्रयोग जैसे कि आप बैठिए, मैंने यहां पर लिखा कि आप बैठिए, यहां पर इस वाक्य में आप जो है ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है मध्यम पुरुष। किंतु कई बार किसी महापुरुष इत्यादि का परिचय देने के लिए या किसी मंच से व्याख्यान देते समय या किसी मंच से किसी व्यक्ति को बुलाते समय उसके बारे में जानकारी देते समय जब आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो फिर वो अन्य पुरुष में होता है। कैसे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपकी शिक्षा विदेश में हुई, अब यहां पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है, और यहां पर आप की आप शब्द जो है ये इन जवाहरलाल के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, तो अब ये जो है ये आप पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष में आएगा, न कि ये मध्यम पुरुष में, ये अन्य पुरुष में। और तीसरा हम प्रकार देख चुके हैं निजवाचक में, तीनों के मैं एक एक उदाहरण आपके सामने और रखता हूं जिससे हमें स्पष्ट हो जाए कि कौन सा जो है आप पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में आता है, और कौन सा आप जो है वो अन्य पुरुष में आता है, और कौन सा आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अपने को पढ़ने को मिलता है। तो तीन उदाहरण आपके सामने मैं लिख रहा हूं। आप कल मेरे साथ चलना चाहेंगे, मैंने लिखा कि आप कल मेरे साथ चलना चाहेंगे। दूसरा मैं लिख रहा हूं कि मंच पर अटल जी विराजमान है,
विराजमान है, मंच पर अटल जी विराजमान है, आप एक कवि भी हैं। अब यहां पर जब किसी का जीवन परिचय देते समय, किसी का परिचय विस्तार से बताने के लिए जब हम मंच आदि से घोषणा करते हैं, उस समय जब आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप जो है पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष में उसकी गणना होती है, ये अन्य पुरुषवाचक है, और यहां पर आप जो है ये मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष होता नहीं आप कभी भी। तीसरा जो उदाहरण है वो देखिएगा, वह आप ही पहचान लेगा, वह आप ही पहचान लेगा। तो इस उदाहरण में जो मैंने आप शब्द का प्रयोग किया है, ये आप, ये निजवाचक है भाई, ये निजवाचक है। जब अपनेपन या निजत्व का बोध कराने के लिए आप का प्रयोग किया जाता है तो वो निजवाचक सर्वनाम में, ये निजवाचक है, ये यहां पर आप जो है ये अन्य पुरुष में है, ये आप जो है ये मध्यम पुरुष में है। तो ये जो हमारा सर्वनाम का टॉपिक था ये संपन्न हुआ। हमने देखा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम में अंतर कैसे पहचाना जाता है, इत्यादि इत्यादि बातों की अपने चर्चा की। आगे का जो अपना टॉपिक होगा वो विशेषण का होगा। विद्यार्थी पहले से भी अपने जो विशेषण के टॉपिक हैं, विशेषण के जो बिंदु हैं, उनको अच्छे से अध्ययन कर लें, उनका उनको अच्छे से समझ लें, ताकि यहां पर पढ़ते समय क्लास के माध्यम से आपको पढ़ते समय आपके जितने भी इश्यू हैं वो हल हो जाए। धन्यवाद।